इस वेले अहम खबर, सिख नेता का गोलियां मार के कतल कर दिया गया है। गोलियां बनाईया गई ने, कई राउंड फायर किया गया है। दसा जा रहा है कि जो वो अपनी कार दे विच ऑफिस ली जा रहे सन तो यह गोलियां चलाईया गई ने, जिस दे विच सिख नेता की मौत हो गई है। तो मंदभागी घटना कनेडा दे विच वापरी है। दसा जा रहा है कि कनेडा के वैनकोवर दे विच सिख नेता रिपू दमन सिंह मलिक का गोलियां मार के कतल कर दिया गया है। एक घटना बीती रात की दसी जा रही है। दसा जा रहा है कि तीन गोलियां चलण की आवाज सुनाई दिती सी। फायरिंग काफ़ी करीब तो की गई है, जिस कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिता। दसा जा रहा है कि रिपू दमन एयर इंडिया के जहाज को अगवा करके धमाके के उड़ाने के केस के सन, जिन्होंने उस केस के हालांकि बरी कर दिता गया पर उन्होंने गोलियां मार के कतल कर दिता गया। बीती रात की यह घटना दसी जा रही है। कनेडा के वैनकूवर के पूरी घटना वापरी है, जिथे सिख नेता रिपू दमन सिंह मलिक का गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। रिपू दमन का गोलियां मार के कतल क्यों किया गया, हालांकि इन्हां दे कारणां दा पता नहीं चल सकिया। पुलिस नूं आशंका है कि हमलावर कार दे विच आए सन, फिर बाइक ते सवार होके रिपू दमन दे नज़दीक गए, उन्हां ते गोलियां वराईयां। बाद च हमलावरां दे वल्लों सबूत मिटाउण दी कोशिश की गई, जिस दे कारण उन्होंने कार नूं साड़ दिता, कार नूं अग लगा दिती। जल्दी कार की फुटेज भी सामने है, किस तरीके नाल कार नूं अग लगाई गई है। दस्सिया जा रहा है कि कनेडा दे वैनकूवर दे विच इह पूरी घटना वापरी है। कार हत्या करन दी थां तो कुछ दूरी ते मिली है, जिस तो बाद हमलावरां ने कार नूं अग ला दी, कार नूं अग्नपेट कर दिता। रिपू दमन दे घर वालियां ने दस्सिया कि जदों कार दे विच ऑफिस दी जा रहे सन तद उन्हां ते इह हमला होया। दस्सदी कि कनेडा दे वैनकूवर दे विच इह पूरी घटना वापरी है, जिथे रिपू दमन सिंह मलिक का गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। रिपू दमन सिंह एक सफल कनेडियन कारोबारी होने दे नाल नाल सिख संस्थावां दे नुमाइंदे भी सन। उन्हां ते एयर इंडिया दे जहाज़ नूं हाईजैक करन अते उस उड़ान का दोष सी। एक घटना साल 1985 की है। दसे जा रहे कि नवी दिल्ली ली जहाज़ जा रहे थे, जिस विच धमाका होया, जिस कारण 329 यात्रियों की मौत हो गई सी। तो इसे केस दे विच रिपू दमन सिंह 2005 तक कैनेडा की जेल दे विच सन, बाद च बरी हो गए। रिपू दमन सिंह पहला खालिस्तान के समर्थक सन, पर बाद च उन्हां दी विचारधारा बदल गई। वह आखिरी दम तक सिख कौम के लोगों नूं वक्खवादी आगुआं तो दूर रहने लिए प्रेरणा करते रहे। दसा जा रहा है कि इसे कट्टरपंथी सोच के कारण उन्होंने शायद कतल किया गया। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि हमलावर के वालों क्यों कतल किया गया, हमलावर कौन सन, पर एक मंदभागी घटना वापरी है कनेडा के वैनकूवर के, जिथे सिख नेता रिपू दमन सिंह मलिक का गोलियां मार के कतल कर दिया गया है। बीती रात की यह घटना दसी जा रही है। दसा जा रहा है कि तीन राउंड फायर किए गए, जिस दे विच काफ़ी फायर उन्होंने लग गए, तो इस कारण उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिता। तो बेहद मनभागी घटना है, रिपू दमन सिंह मलिक का गोलियां मार के कतल कर दिया गया है। मियां मुराद अली जी, खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या दा समाधान। समस्या जिवें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए। फिर बाद विच मैनूं किसे ने मियां मुराद जी अली बारे दस्सिया, ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हां। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असीं बड़े औखे हो गए। फिर सानूं किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दस्सिया, उन्हां ने साडी समस्या दा चंगी तरह जुड़ो निपटारा कर दिता। हुण असीं बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786, 97797, 24075।